ये कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की खनक की, जो परिस्थितियों की मजबूरी से शांतनु के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है, पर समय के साथ दोनों एक एहसास की डोर में बंध जाते हैं। इधर अपनी बेटी नताशा का दुख मिस्टर अग्रवाल सह नहीं पाते और वो नताशा की खुशियों की खातिर सुनील खंडेलवाल के पास पहुंच जाते हैं। ये मीठी मीठी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। और मिस्टर खंडेलवाल, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है कि मेरी पीठ के पीछे आप लोग क्या प्लान बना रहे हैं। देखिए, बस अब शांतनु को मेरी बेटी की जिंदगी के साथ और उसकी खुशियों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आज तक जो काम आप लोग नहीं कर पाए वो काम मैं करके दिखाऊंगा। खनक सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है, और एक बाप अपनी बेटी की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने मिस्टर खंडेलवाल, बिल्कुल सही फरमाया। और आपको भी यह बात पता होना चाहिए कि मेरी बेटी मेरा गुरूर है और अपने गुरूर को मैं किसी भी कीमत पर ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। समझ रहे हैं आप? अच्छी तरह आप जानते हैं कि मेरी बेटी की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ। अग्रवाल साहब, क्या हो रहा है आपको? मिस्टर अग्रवाल, क्या हो रहा है? और फिर मिस्टर अग्रवाल शांतनु के सामने अपने दिल की बात रखते हैं। बेटा, आराम तो मुझे तब मिलेगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि मेरी आखिरी ख्वाहिश को तुम जरूर पूरी करोगे। नताशा को खंडेलवाल परिवार के और तुम्हारी बीवी के रूप में देखना चाहता हूं बेटा। मैं चाहता हूं कि शांतनु और नताशा की शादी हो जाए। अंकल, देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। शांतनु को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो तो हमेशा से नताशा से शादी करना चाहता था। वो आपकी बात क्यों टालेगा? क्यों शान? लेकिन मॉम, हम इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे करेंगे? खुशबू, तुम चिंता मत करो। खनक, खनक, तुम शांतनु की शादी की तैयारी में हेल्प करोगी ना? मॉम, देखिए शान, आई थिंक मॉम ठीक कह रही है। खनक ने हमेशा हमारी हेल्प किया। खनक है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है मॉम। थैंक यू खनक। मॉम, मैं जरा नताशा को फोन करके आती हूँ। मेरी बात शांतनु, मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए थैंक यू वेरी मच। इधर शांतनु में अपनी बेटी नताशा की खुशी समझ रहे मिस्टर अग्रवाल अपने पिछले सारे वायदे भूल खनक को अपना एक आदेश सुनाते हैं। ये शादी, ये सौदा, ये सब तुम्हारी समझ से बाहर की बात है। जल्द से जल्द तुम अपना सामान बांध लो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। शांतनु के साथ साथ तुम्हारा और कोई कीमती सामान ना छूट जाए।
शांतनु से दूर जाने का डर खनक के दिल का दर्द बनना शुरू हो जाता है। मुझे तो लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मम्मी जी और खुशबू भाभी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। चुप हो जाओ, इस तरह रोने से क्या हासिल होगा? देखो तो, रो रो के बुरा हाल कर लिया है अपने इस प्यारे से चेहरे का। बेटा, तुम चाहती हो कि मैं तुम पे विश्वास करूं कि तुम शांतनु से प्यार नहीं करती? उससे अलग होकर तुम खुश रह सकोगी? जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि नियति का यही निर्णय है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए। मैंने शायद अपनी भावनाएं समझने में बहुत देर कर दी। सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है खनक, उसे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मत खोना। बेटा उसे सब कह दो। नहीं दादी माँ, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। वो समझते हैं कि मैंने उनका दिल तोड़ा है और मैं उनकी ये गलतफहमी दूर करके उन्हें एक धर्म संकट में नहीं डाल सकती। दादी, अगर मैंने उन्हें अपने दिल की बात कह दी तो वो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे। बेटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। तो बस यही चाहती कि शांतनु खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ले। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, और अगर उनका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। देखो बेटा, शांतनु किसके साथ रहकर खुश रह सकेगा ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, कि तुम्हारी मर्जी। इधर खनक के कदम घर छोड़कर जाने के लिए बढ़ते हैं, पर इससे पहले कि वो घर की दहलीज पार कर पाए, माधवी और खुशबू के ताने खनक के सामने आना शुरू हो जाते हैं। चली जाओ यहाँ से और मेरे बेटे को चैन की सांस लेने दो, चली जाओ। मैं जा रही हूं, बस इतनी दुआ करती हूँ कि शांतनु हमेशा खुश रहे। क्या हो गया मॉम? कल तो कोई बहुत डेस्टिनी की बातें कर रहा था, राइट? किस्मत एंड ऑल दैट, लेकिन मानना पड़ेगा मॉम, आपकी किस्मत तो एकदम रॉकिंग है। लेकिन खनक, तुम्हारी किस्मत को क्या हुआ? वो तो एकदम एकदम शॉकिंग है ना? हुआ वो हुआ, लेकिन मुझे तरस तो शांतनु की किस्मत पर आता है। एक माँ के होते हुए भी उन्हें उनका निस्वार्थ प्यार नहीं मिला, क्योंकि आपको अपने बेटे से प्यार है ही नहीं, आपको तो प्यार है बस अपनी जीत से। अपनी जीत पर अहंकार करने के बजाय अपने अहंकार पर जीत हासिल करके शांतनु की खुशियों के बारे में सोचिए। शांतनु अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन
लेकिन वो ये नहीं जानते कि वही माँ उनके सब दुखों का कारण है। जब शांतनु को ये पता चलेगा ना तब कनक, तुम्हें तो ठीक से हारना भी नहीं आता, तुम्हें तो रो रो कर अपने आंसू बहाकर अपनी हार मान लेनी चाहिए और मुझसे सीख लेना चाहिए कि कैसे जीतते हैं। जीत आपने तो सिर्फ आंसू जीते हैं अपने बेटे के लिए, हार मेरी नहीं, हार तो आपकी हुई है। इस माँ का बेटा आज खुद को दुनिया का सबसे दुखी और सबसे बदनसीब इंसान समझ रहा है, उस माँ की जीत कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। कहाँ जा रही हो कनक? वही जहाँ मुझे होना चाहिए, मेरे गांव। यहाँ तो मैं गलती से आ गई थी, ये मेरा नहीं आपका घर है। बहुत ही कम समय में तुम और शान अच्छे दोस्त बन गए, तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम और शान अपनी गलतफहमियां दूर करके इतने अच्छे दोस्त बन जाओगे। है ना खनक? मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि हम दोनों की शादी हो जाएगी और शांतनु मेरे पति बन जाएंगे। जहां तक मैं शान को जानती हूं, वो एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, शांतनु एक बहुत अच्छे पति साबित हुए, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। बस मैं चिताना नहीं आता। अच्छा, जिस शान को मैं जानती थी वो एक बहुत ही अलहट, गैर जिम्मेदार और स्वार्थी इंसान था। जिस शांतनु को मैं छोड़कर जा रही हूँ वो एक बहुत सुलझे हुए, बहुत जिम्मेदार और एक बड़े दिल वाले इंसान है। हो तो इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना होगा। थैंक यू खनक, और सॉरी भी। आप तो मेरे फ्रेंड है ना, तो दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ऐसा किसी महापुरुष ने कहा था। जिस महापुरुष ने तुमसे ये कहा था वो तुम्हें बहुत मिस करेगा खनक। मैं भी उन्हें बहुत याद करूंगी। वो मेरे दोस्त है ना, मारी रंग बदलती। कभी कभी दोस्ती को प्यार का नाम देकर और प्यार को दोस्ती का नाम देकर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। आशा करती हूँ कि तुम अपने दिल में ऐसी कोई भी दुविधा लेकर यहाँ से नहीं जा रही हो। नहीं, अब मेरे दिल में ऐसी कोई दुविधा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि
कि आप दोनों हमेशा खुश रहे। मैं चलती हूँ। खनक, याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि देखते हैं किसकी जीत होती है, मेरे प्यार की या तुम्हारे फर्ज की। याद है खनक, आज वही बात मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, किसकी जीत हुई है खनक, तुम्हारे फर्ज की या मेरे प्यार की। दोनों की। आपकी प्यार की तो जीत हुई ही है, पर मैंने अपना फर्ज भी पूरा किया है। मैं चलती हूँ। इधर खनक के घर छोड़कर जाने से अनजान शांतनु अनजाने में अपने दिल के जज्बात नताशा के सामने रखना शुरू कर देता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक्चुअली आना तो मुझे चाहिए था, पर पता नहीं आता भी तो क्या कहता, इसलिए दूर रहा मैं। खैर, पर अब जब तुम भी आ गई हो तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूं, क्योंकि जो भी कहना था वो तो तुमने कह दिया उस रात को। मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से। कहो क्या कहना चाहती हो तुम। पूछना चाहती हूँ शान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बोलने से पहले एक बार मुड़कर देख तो लिया होता कि जिसके लिए तुम ये सब कह रहे हो वो तुम्हारे सामने है भी या नहीं। शान, अभी तुमने जो कुछ भी कहा क्या वो सब मेरे लिए था, या फिर उस रात की गलती फिर से दोहरा रहे हो? तुम्हारे डैड की तबीयत पहले से ठीक है ना? तुम्हारी सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ सब ठीक हो ही जाएगा। मैं वो एक्चुअली मेरी शेरवानी की फिटिंग्स के लिए रुका हुआ था। सब तैयारियां करनी है ना, तुम तैयार हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारे कपड़े तो तैयार है ना? खनक चली गई। खनक के घर छोड़कर जाने से माधवी और मिस्टर अग्रवाल का चेहरा खुशी से खिल उठता है। माधवी खंडेलवाल को हराना इतना आसान नहीं है। वो KFD मुझे हराना चाहती थी, उसे इतना तक नहीं पता कि मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी जीत प्यारी है। अब तो उस KFD का इस घर से जाना
तय है। इधर शांतनु के खनक के साथ प्यार की डोर में बंधे होने का सच सामने आते ही नताशा उनके बीच से खुद को अलग करने का फैसला लेती है। जिस शान को मैं जानती थी वो एक बहुत ही अलहड़, गैर जिम्मेदार और स्वार्थी इंसान हुआ करता था, लेकिन सुनने में आया है कि तुम बहुत बदल गए हो। खनक कह रही थी कि तुम बहुत ही सुलझे हुए, जिम्मेदार और बड़े दिल वाले हो गए। खनक ने कहा तुमसे? तुम्हें चली गई? और क्या करती वो? क्या तुमने उसे रोकने की कोशिश की? मैं क्यों रुकूं उसे? क्या मैंने कहा था उसे जाने के लिए? और अगर उसे रुकना होता तो खुद रुक जाती। क्यों रुकती हो? और किस लिए रुकती? ताकि वो मुझे तुम्हारी दुल्हन बनती देख सके, हमारी शादी में शामिल हो सके। अगर वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी, तो वो खुद कह सकती थी। तुम कह पाए? मैं नहीं कह पाया क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था नताशा।